कहते कि मजदूरी भी न मिले, पैसे भी नहीं है, खाने को मोहताज है, यही तो वक्त है अल्लाह से मांगने का। भाई इसी तकलीफ में मांगे को तो मिल गए। एक अल्लाह वाले ने की आदत मुबारक थी कि बे इंतहा सखी थे, जो भी मेहमान आते उसको खाना खिलाओ खाना खिलाओ खाना खिलाओ खाना, और तो बहुत बड़ा कर्जा हो गया। हजरत बीमार हो गए और सारे कर्जे वाले भी इकट्ठे हो गए आगे घर। उन्होंने कहा हजरत आपकी तबीयत रोज बरोज कमजोर होती जा रही है, हमारा कर्जा कौन देगा? भाई सब्र करो भाई, अल्लाह हल करेगा। इतनी देर में एक लड़का थाल सर पे रखा हुआ हलवा हलवे का इलाज करता हुआ आया। आपने बुलाया उस लड़के को, फरमाया कि भाई ये पूरा थाल हलवे का जो है इसके कितने पैसे हैं? बोलेगा कि जीते फरमाया इन सबको खिलाओ बैठे हुए। उसने सब खिलाओ और बड़ा खुश हो गया बच्चा दिल में कि माशाल्लाह आज मेरा थाल एक मिनट में बिक गया, मुझे दल दल नहीं जाना पड़ेगा। हजरत अल्लाह शाह बुखारी फरमाते थे मौलवी वकील ये अल्लाह पे यकीन की बात है। एक आदमी सर पे आमों का टोकरा रख के गली में आवाजें लगाता फिरता है, आम 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 उसके भी बिक जाते हैं, और एक सड़क पे ठेला लगा के खड़ा हो जाता है कहीं नहीं जाता, आम उसके भी बिक जाते हैं। आपका अल्लाह के साथ मामला है यकीन का, उसका यकीन है कि गली गली जाऊंगा फिरूंगा तो बिकेंगे ना, इसका यकीन है। अभी जो मेरे अल्लाह ने लिखा है यहीं से आके लेगा। तो सबको हलवा खिला दिया। उसके बाद बच्चे ने कहा कि हजरत पैसे, उन्होंने फरमाया ये सारे पैसों के लिए तो बैठे हैं। बच्चा तो रोने लगे और उन्होंने कहा हजरत मैं तो मजदूर हूं, हलवा तो सेठ का है जिसकी दुकान है, मुझे तो जब बेच के जाऊंगा इतने पैसे भी लेंगे, और अगर सारे पैसे मैं लेके ना जाऊ तो मेरी चमड़ी उधेड़ लेगा, बड़ा जालिम आदमी है। बच्चे ने जू ही रोना शुरू किया ना, अल्लाह ने हुक्म दिया तो पैसों की बरसात हो गई, अशरफी होगी और दिनों। अल्लाह ने फरमाया कि भाई जिसका जितना कर्जा है उठा लो, और जो बच जाए वो फिर खादिम से कहा कि तुम खैरात कर दो। इतना पैसा सोने की अशरफियां, वो तो सबके कर्ज अदा होने के बाद भी काफी बच गए। तो इसी को मौलाना रूम ने लिखा है कि ता न गिरियत कौंद के हलवा फरोश कई दरायद रहमत दरिया रहमत जोश, कि जब तक वो बच्चा रोया नहीं अल्लाह की रहमत को जोश नहीं आया। असल बात यही है मेरा भाई, अल्लाह के आगे रोना सीख लो, वरना तो अल्लाह के हरम में माशाल्लाह हर इफ्तार पे सारी पे तुम्हें इतनी रोटी मिलेगी कभी बाप के घर में भी नहीं मिलेगी। क्यों फिक्र करते हो? बाकी इस्तग़फ़ार ज्यादा करो, अल्लाह असबाब पैदा फरमा देंगे, क्योंकि इन्नल्लाहु वर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल्कुव्वतिल मतीन, रज़्ज़ाक अल्लाह है रज़्क देने वाले अल्लाह है, मायूस न हो। आज तक जो अल्लाह ने नींद देनी है उनका तुमने शुक्र अदा कर दिया? पैसे नहीं है ना, हाथ पाँव तो है ना, उसका देखो जिसके हाथ नहीं है, उसको देखो जिसका पाँव नहीं है, उसको देखो जिसकी आंख नहीं है, उनसे तो बच्चे हो ना। खुदा का शुक्र करो, अल्लाह से मांगो, जरूर मिलेगा।